हेलो एवरीवन, मैं महासिंह नारवाल, व्याख्यात है जय विज्ञान। एटीएस स्कूल द्वारा संचालित कृषि जीव विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पादप पुनर्स्थापन के दोषों के बारे में चर्चा की। आज हम देखेंगे पादप पुनर्स्थापन के उपलब्धियां, अचीवमेंट्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। पादप पुनर्स्थापन की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं? यदि हम पादप पुनर्स्थापन के कारण उपलब्धियों की चर्चा करें तो हम देखेंगे कि पादप पुनर्स्थापन से IR 36। ये
लिखी गई हैं जो पादप और स्थापन के कारण मिल पाई है। इसके पश्चात हम अगला टॉपिक देखते हैं पुनरुत्पादन। किस्म के बीजों को उगाया जाता है उन्नत किस्म के बीज। सबसे पहले किसी उन्नत किस्म के बीजों को लेकर उगाया जाता है। उसके पश्चात इनसे कुछ पौधे प्राप्त होंगे, फिर इन पौधों से नए बीज प्राप्त करेंगे। इस प्रकार उन्नत किस्म के बीजों को उगाकर उन उगे हुए पौधों से पुनः नए बीजों को प्राप्त करना पुनरुत्पादन कहलाता है। किसी वांछित किस्म के बीज प्राप्त कर उन्हें उगाया जाता है खेती करने के लिए नई किस्म के रूप में। साथ ही वहां जो पौधे उगते हैं उनसे बीज प्राप्त किया जाता है, तो इसे पुनरुत्पादन कहते हैं। बीजों से ही पौधे उगाकर पुनः नए बीज प्राप्त करना पुनरुत्पादन कहलाता है। उसके बाद आती है बात कि पुनरुत्पादन की आवश्यकता क्यों है। तो हम कहेंगे पुनरुत्पादन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कुछ बीजों की जीवन अवधि कम होती है। कुछ पादपों में बीजों की जीवन अवधि बहुत कम होती है, सीमित होती है, इसलिए पुनरुत्पादन की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, कुछ पादपों के बीज ऐसे होते हैं जिनका भंडारण करने के पश्चात उनके बीजों की अंकुरण क्षमता कम हो जाती है। भंडारण के पश्चात बीजों की अंकुरण क्षमता में कमी आना, ये दो कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से पुनरुत्पादन किया जाता है। यहां पर हमने दो टॉपिक पढ़े, पादप और स्थापन की उपलब्धियां और पुनरुत्पादन। थैंक यू।